Firstly, Umar, welcome to IW and Buzz. Big congratulations for Big Boss 15. कितना थैंक एक्साइटमेंट है बिग बॉस के घर में जाने के लिए, बिकॉज जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि आप आ रहे हो घर पे, सो कई सारे बज हो रहे हैं. यू, थैंक यू सो मच। और बहुत ही आभारी हूँ मैं सब लोगों का जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे लिए, और बहुत एक्साइटेड हूँ बिग बॉस 15 के लिए। मैं मुझसे स्पेशल सो एनी स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर द शो, बिकॉज प्रिपरेशन आप तो तो ऑलरेडी अच्छी तरह जानते ही होंगे शो को आसिम के जरिए. सो आपको कुछ आपने कुछ आइडिया लिया है आसिम से भी? सी एज अ व्यूअर देखना तो ठीक है, आप आराम से बैठ के देख रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जाके वो चीज एक्सपीरियंस करना, ना फोन है ना टीवी है, ना किसी से बात कर सकते हो ना बाहर जा सकते हो, वो चीज बहुत अलग है। दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर आई वुड से। तो टिप्स तो ऑब्वियसली लेते रहते हैं, अब काफी लोग जुड़े हैं जो बिग बॉस के थे, तो सब फोन हेलो हाय करते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, टिप्स भी मिलते रहते हैं, तो ताकि थोड़ा यू नो यू गेन दैट कॉन्फिडेंस टू गो इनसाइड। ओके, सो उमर, मेंटली और फिजिकली कैसे आप अपने आप को स्ट्रांग रखने वाले हो बिग बॉस के घर में? मेंटली मैं ये बोलूंगा कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर में मैं काम करता हूँ, और मैं काम कर चुका हूँ इतने सालों से। लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ स्लीप, वो आदत है। तो फिजिकली भी कोशिश करूंगा कि वहां पे भी थोड़ा, आई नो फूड डाइट का तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, प्रोटीन लेके जा रहा हूँ, अगर वो मिल जाए वहां पे। और एक्सरसाइज, मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो आई फील गुड मेंटली भी, मैं यू नो आई मैं सेन रहता हूँ, तो इसीलिए एक्सरसाइज मेरा वहाँ रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जितना भी मौका मिले। और खाने में आई डोंट थिंक सो आप कुछ मांग भी सकते हो, वहाँ जो बनेगा वो बनेगा, तो वही है, आप उसी तभी उसी पे लड़ाइयाँ होती हैं, बिकॉज लोग कुछ और प्लान, डाइट प्लान्स कुछ और फॉलो करते हैं। वहाँ पे परांठे और दाल आपको मिलता है जो लोग खाते नहीं, तभी फाइट्स होती हैं वहाँ पे आपसे। सो उमर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आपको ये शो का ऑफर आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, एंड क्या आपने ये बात अपने फैमिली के साथ पहले शेयर की? जी जब पहले मुझे ओटीटी का ऑफर आया तो मैंने बताया नहीं एक्चुअली किसी को, कि मुझे मेरा प्लान वो एक टीवी था, लाइक इस साल नहीं अगले साल नहीं, देखा जाएगा, करूंगा तो टीवी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो मैं अपना मेरा जो काम चल रहा है चलता रहेगा। तो ओटीटी के लिए मैंने मना कर दिया। वो तो मैंने तब बताया जब मैंने एक्चुअली ना बोल दिया, मैंने भाई को बताया कि भाई आया था, मैंने ना कर दिया। अरे वो बोला यार कर लेता, मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं करना था मेरे को, बोला चल जैसा तेरे को ठीक है। फिर बिग बॉस का कॉल आया, ऐसा नहीं कि बोला ठीक है हो गया आपका, बोला कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग हुआ, तब भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, बिग बॉस 15 का कॉल आया। जब मीटिंग हो गया उसके बाद मैंने बताया कि मैं मीटिंग करके आया, बोले ये क्या, ये कब हुआ, भाई ऐसे हुआ 2-3 दिन पहले, क्या सवाल पूछे, बस सब बैठ गए, क्या हुआ। फिर बोले नहीं, आसिम बोला नहीं अच्छे जवाब दिए, हो जाएगा टेंशन मत ले। फिर कंफर्मेशन भी आ गया, तो बस ऐसे हुआ, बताया किसी को नहीं मैंने कि कॉल आ रहा है मेरे को या बिग बॉस वाले बुला रहे हैं। जब कंफर्मेशन हुआ तब मैंने फिर बाकी फिर अपने दोस्तों को फिर बताया कि भाई कंफर्म हो चुका है, तो फिर एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। सो उमर, हमने देखा कि इस बार जंगल थीम होने वाला है, तो कई सारे जंगली थीम्स भी होंगे, जंगली टास्क भी होंगे, तो आप उसके लिए कितने रेडी हो? सी मैं एक जंगली हूं आई वुड से, क्वारंटीन में वैसे भी थोड़ा ऐसे दिमाग सटक गया है मेरा, तो थोड़ा मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो मेरा जंगली है 10-12% जो पहाड़ों में रहे हैं, हम पहाड़ी लड़का हूँ मैं एक तरह से बोलूंगा, तो बस तैयार हूँ कूदने कूदने के लिए। और ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि आप काफी ही तैयार हो, लेकिन घर में कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब यू आर नॉट रेडी फॉर द फाइट और यू आर नॉट रेडी फॉर द आर्ग्यूमेंट, बस तभी आपका गुस्सा फूट पड़ता है, मैं ऐसे आपको कई बार होते एक चीज बोलूं, लड़ाई करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। हैं. आर्ग्यूमेंट में मैं, मतलब अगला बंदा बोले और मैं शुरू हो जाऊंगा, मेरा ऐसा, मेरे दिमाग में भी कभी कभी ऐसा चल रहा होता है किसी ने मेरे को लुक दिया है, मेरे दिमाग में पहले ही शुरू हो जाता है कि मैंने इससे लड़ लिया है। तो सो यू मतलब आर द वो तो मैं सेकंड मोर उनको, फास्टर देन द अदर हाँ कंटेस्टेंट. मतलब मैं उनको वो मौका ही नहीं दूंगा कि बोलेंगे अरे ये तो अभी तो सुबह हो रही है, 5 बज रहे हैं, मैं तैयार हूं। सो वी विल सी मोर देन आसिम का न्यू वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, पर वी कैन ऐसा नहीं है से. कि मैं सिर्फ एग्रेशन नहीं देखोगे, मेरा फनी साइड देखोगे, हर एलिमेंट देखोगे, लेकिन हाँ किसी को अगर पंगा लेना है
तो वो बोलेगा कि नहीं ये इससे पंगा नहीं लेना, ये तो उल्टा पड़ जाएगा। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बस यही करने वालों, नहीं। हाँ, अगर कोई किसी को लगता है मेरे को बातें सुना के मेरे को ऑपरेस करके चला जाएगा, वो वैसा नहीं हो पाएगा उनसे। ओके सो घर के काम भी करने होंगे बिग बॉस के घर में, घर का सो काम कुछ भी, खाना, सफाई, बाथरूम, बेडशीट, क्लीनिंग या सब करूंगा। बट मोस्टली बाथरूम क्लीनिंग एंड किचन को लेकर काफी ही झगड़े होते हैं। अभी जंगल में देखो बाथरूम तो मुझे लगता नहीं है, वो जमीन पे ही कहीं करना पड़ेगा, तो उधर सफाई करने की जरूरत नहीं है, वो नेचर विल क्लीन दैट देमसेल्फ ओके सो बिग बॉस ओटीटी के घर से भी कुछ गेस्ट कुछ कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, सो डू यू फील उनके लिए एडवांटेजेस हो जाएंगे बिकॉज दे वेर द पार्ट ऑफ द बिग बॉस ओटीटी एंड दे हैव द आइडिया हाउ इट्स वर्क। वो तो है ही। अभी प्लानिंग भी चल रही होगी, क्या पता। तो ये है कि कंफर्ट जोन उनको रहेगा, एक घर पे रह चुके हैं वो लोग और ट्यूनिंग है तो। बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि हमने अपनी गेम खेलनी है उन्होंने, बट उनके पास थोड़ा कंटेंट कम होगा देने के लिए, क्योंकि 6 हफ्ते में वो दे चुके हैं अपना, मतलब अभी एनर्जी मुझे लगता है लो होगी, ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट चलेगा। आई मीन वी आर रेडी टू फेस देम। आई वुड से तो लास्टली उमर मैं ये जानना चाहूंगी, आसिम के फैन फॉलोइंग्स तो ऑलरेडी आपके पास आ ही चुके हैं, आई हैव सीन जो आसिम प्लस नाउ उमर रियाज फैन फॉलोइंग हो गए हैं, तो डू यू फील कि आपके लिए एक एडवांटेजेस हो गया है? जी, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आसिम का फैंडम हो या मेरे नए फैंस बन रहे हैं, तो बस प्यार है लोगों का, तभी कदम रखा है रियलिटी शो में कि सपोर्ट करेंगे वो लोग। अब इस चीज़ का मुझे फायदा होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा अगर मैं टिकता हूँ घर पे। थैंक तो थैंक यू उमर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो। थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू।